अब उपेंद्र कुशवाहा जी को आप लोग इतने तरजीह दिया है, या फिर लोग तरजीह, हम लोग तो नोटिस भी नहीं लेते हैं। हम लोग तो उनको, हमारे नेता ने जब इतना उपेंद्र प्रसाद सिंह से उपेंद्र कुशवाहा बनाए और इतना तरजीह देने का काम किए, उन पर हम लोग बोले, हमको अच्छा नहीं लगता है। आप ही लोग बराबर उनको तरजीह देते हैं, नोटिस करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बरें, और उन्होंने कल कहा था कि जिस भैंसिया पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं वो डूब जाएगा। इसी को लेकर जब हमने बात किया जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो उनको नोटिस भी नहीं लेते हैं, जो इन्होंने, हमारे नेता ने उन्हें उपेंद्र प्रसाद से उपेंद्र कुशवाहा बनाया है, वो तो आप देख ही रहे ना कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किनके गोद में बैठकर पहले क्या कुछ कर रहे हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। पहले सुनिए उनकी बातों को। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को आप लोग इतने तरजीह दिया है, या फिर लोग तरजीह, हम लोग तो नोटिस भी नहीं लेते। हम लोग तो उनको, हमारे नेता ने जब इतना उपेंद्र प्रसाद सिंह से उपेंद्र कुशवाहा बनाए और इतना तरजीह देने का काम किए, उन पर हम लोग बोले, हमको अच्छा नहीं लगता है। आप ही लोग बराबर उनको तरजीह देते हैं, नोटिस करते हैं। वो जहाँ जिससे गोद में जाकर खेल रहे हैं, वो पता है ना, जो अभी तो हाल फिलहाल में जो किस विरासत की बात कर रहे थे, विरासत बचाने की बात कर रहे थे ना, आप कहाँ चले गए? आप वहाँ चले गए जिनको आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रहा, जिस लोगों का, उस लोग के गोद में जाके खेल रहे हैं। कल उनकी पत्नी ने शराबबंदी का समर्थन किया और कहा कि सभी लोगों को इसका साथ देना चाहिए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये तो सब लोग, तो जितना महिला से पूछिएगा वो तो खुद ही उनके स्टेजे पर मिल गया है। शराबबंदी लागू रहना चाहिए, सार्थक परिणाम है उसका, सकारात्मक रूप से सब लोग सोच रहे हैं। वो अच्छी बात है कि हम उनको क्या कहते हैं, बधाई देते हैं कि कम से कम उस मंच पर से तो बोली, इस बात को कबूल की। तो क्या फिर से रास्ता खोज रहे हैं क्या उपेंद्र कुशवाहा या उनकी पार्टी? देखिए, हम लोग जो है उपेंद्र कुशवाहा को कोई नोटिस नहीं लेते, और कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, ये तो आप लोग ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। हमने शुरू में ही कहा कि उपेंद्र प्रसाद सिंह को उपेंद्र कुशवाहा बनाने का काम हमारे नेता किया, हमारे नेता ने इतना तरजीह देने का काम किया, और जब हमारे नहीं हो सके तो किसके होंगे, किसी का है? एनडीए में शामिल हो रहे हैं। हाँ तो ठीक है, एनडीए में, अब ये तो सब लोग जान रहे थे, कहाँ शामिल होंगे, किनके गोद में खेल रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। तो आपने सुना जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो उपेंद्र कुशवाहा का नोटिस तक नहीं लेते हैं, आप लोग उन्हें तवज्जो दे रहे हैं। और वहीं बात करें तो आप तो जानते ही हैं ना कि हमारे नेता उन्हें किस तरह से उपेंद्र प्रसाद से उपेंद्र कुशवाहा बनाए थे। और वहीं बात करें तो जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का कहा जा रहा है कि आज एनडीए में शामिल होंगे, तो उस पर भी साफ तौर पर उमेश कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो जानते ही थे, आप लोग सब तो जानते ही थे कि वो किनके गोद में जाकर बैठेंगे, अगर शामिल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जिस तरह से बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड पर हमला बार रहे हैं। और वहीं बात करें तो उन्होंने कल कहा था अभी कि जो नीतीश कुमार जो भैंसिया पर बैठे हुए हैं वो डूब जाएगा। इस पर साफ तौर पर उमेश कुशवाहा हैं जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इतना तक कह दिए हैं कि हम उन्हें तवज्जो तक नहीं लेते, उनको नोटिस भी नहीं लेता हमारा पार्टी। और जो वो बोल रहे हैं, किनके गोद में बैठ के बोल रहे हैं कि जिनको कहीं कोई हिस्सा भी नहीं है स्वतंत्रता सेनानी में, देश को आज़ाद करने में, उनके गोद में इस तरह के जाकर बैठ के बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको हमारे नेता ने तो तवज्जो दिया, उन्हें उपेंद्र प्रसाद से उपेंद्र कुशवाहा तक बनाया, लेकिन वो किस तरह बोल रहे हैं आप लोग तो जान ही रहे हैं। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ, नमस्कार।